بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صلى الله عليه محمد हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए या अल्लाह और जिस मकसद जिंदगी की वजह से मजालिस में आते हैं मकासिद में भी हम सबको कामयाबी अता फरमाए। मौजू सुखन तो कुछ और था लेकिन मैंने आयत को तब्दील किया कि कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब है वो इंसान जिसने खुद को साफ किया है, पाक किया है, और नाकाम है वो इंसान जो ख्वाब गफलत में सोया रहा है। एक वो इंसान है जो नींद में है, उसे आप जगा सकते हैं, लेकिन एक वो है जिसने खुद को नींद में लगाया हुआ है। एक आदमी सोया हुआ है, आप उसको जगाते उठ जाता है, लेकिन एक वो है जो झुग्गी का सोया हुआ है, इसको चार बार बुलाओगे भी ये उठेगा नहीं। मजलिस का मकसद क्या है? मेरा यहाँ आना, आपका यहाँ आना, इसका एक मकसद है। क्या मकसद है? क्या हम वाह करें, न्याज खाएं, तो चले जाए? मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं, फरमाए मजालिस का मकसद है सैयदा की रजायत, बीवी को राजी करना। रोजे का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। राजी करने से होगा क्या? फरमाए दो रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन लिल्लाह, नमाज पढ़ता हूं ताकि किसके करीब हो जाऊं? अल्लाह के करीब हो जाऊं। अगर मैं 10 मजलिसें पढ़ूं, कोई यहां पे 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 20 साल का, मैं चेहरे देख रहा हूं, अगर इन सब मजालिस के सुनने के बाद भी अगर मैं खुदा के करीब न हूं, इसका मतलब मेरी सारी मजालिस जाया गई। अगर एक मजलिस भी मुझे हुसैन के करीब करे, अगर एक मजलिस भी मुझे अल्लाह के करीब करे, तो वो एक मजलिस अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाती है। लेकिन अगर हजारों मजलिसें मुझे अल्लाह के करीब न करें, उन हजारों मजलिसों का कोई फायदा नहीं है। लोगों ने हजारों नमाजें पढ़ी, लेकिन हुर के वजूद में एक सिफत थी जिसकी वजह से हुर हुसैनी बन गया था। वो सिफत है सिफत अदब। बंदे के दिल में मोहब्बत खुदा हो पर खुदा का अदब न हो, बंदे के दिल में हुसैन की मोहब्बत हो पर हुसैन का अदब न हो, नबी की मोहब्बत हो पर नबी का अदब ना हो। ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है। यानी आदमी करबला जाए लेकिन कपड़े नजिस हो, जाकर हुसैन की जरी को बोस दे। मोहब्बत आए पर इसमें अदब नहीं है। अली से मिलने जाए लेकिन जब मौला के जरी पे जाए तो बगैर गुजू के चला जाए। फरमाया नहीं, जब हमारे हरम में आया करो पहले गुस्ल किया करो, उसके बाद वजू किया करो, उसके बाद हमारे दरवाजे पे खड़े हुआ करो, और उसके बाद इजाजत मांग कर हमारे हरम के अंदर दाखिल हुआ करो। यह अदब का तकाजा है। इंसान इवन तू पानी का गिलास भी पीता है उसका अदब है। तो अगर मैं हजारों मजलिसें सुनूं लेकिन मेरे वजूद में अदब न बने, तो न मेरे पढ़ने का फायदा है न आपके बैठने का फायदा है। अदब अजान यह है कि जब अजान आए तो आदमी नमाज पढ़े। यहां 10 मौलवी अगर मजलिस आकर पढ़े और मजमा बैठा रहे, वो हुसैन जिसने नमाज की खातिर अपना गला कटवा दिया,
हम क्या करबला में मामे हुसैन को मुंह दिखाएंगे। अल्लाह मजलिस को रस्म न बनाइए जब तक ये मजलिसें मेरे जमीर में होर वाला इंकलाब पैदा नहीं करती, तब तक मजलिस का कोई फायदा नहीं है। मैं आज की मजलिस का मानी मजलिस से न्याज नहीं लूंगा और मुख्तसर पढ़ूंगा आपकी खिदमत में, क्योंकि अगर ये राह और रविश रही कि हम 15 मिनट भी नमाज के लिए न निकालें, मजलिस मुस्तहब है, आप दोपहर से कर रहे हैं शाम तक, फिर मैं पढ़ूंगा मेरे बात चलेगी रात 10-11 बजे तक, 10 घंटे में मजलिस को दे रहा हूं जो मुस्तहब है, 15 मिनट में अपने अल्लाह के लिए निकालता बदला, इस मजलिस से कोई फायदा नहीं है, इसका कोई अजर नहीं है। इमाम फरमाते हैं खबरदार रहो कि ऐसा ना हो कि शैतान तुझे आदत में मुबतला कर दे और इबादतों के मैदान से निकाल दे। करबला के मैदान इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हैं, मद्द मुकाबिल लश्कर यजीद है। सवाल यह है पढ़ने वाले हुसैन इब्न अली हैं, सुनने वाले लश्कर यजीद वाले हैं। कभी सोचा इमाम की जबान उनके वजूद पे असर नहीं कर रही? जब पूछा इमाम फरमाते मैं जानता हूं मैं तुझे अल्लाह की राह की तरफ हिदायत दूंगा लेकिन तू मेरी बात को सुनोगे नहीं। कब हुसैन क्यों? फरमाया मुल अतुकुम मिन अल हराम, क्योंकि तुम्हारी शिकन लुकमे हराम से भर चुकी है। तो ये नमाज इंसान को फहशा से बचाती है, ये नमाज इंसान को बुराई से बचाती है, ये नमाज इंसान के वजूद में अदब तो पैदा करती है। और फरमाया अगर तू नमाज की तरफ नहीं जा रहा समझ जाना कि तुम्हारे वजूद में कोई बुराई है जो तुझे नमाज से रोक रही है। किसका कुर्ब चाहिए? दो रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह, मजलिस में आता हूं कुर्बतन इलल्लाह। दुनिया की हर इबादत का मकसद एक है कि मुझे खुदा का कुर्ब मिले। अगर मैं मजलिस पढ़ूं और मुझे अल्लाह का कुर्ब न मिले इसका मतलब मजलिस का फायदा नहीं है। अगर मैं सारा खर्चा करूं और आखिर में जनाबे सैयदा कहे मैं तुमसे राजी नहीं हूं तो मेरे खर्चे का क्या होगा? लेकिन खुद के वजूद में अदब था। अल्लाह इस अदब को समझिए। हम आज तक दो लफ्ज जहन में रखिए, एक है इल्म एक है हिकमत। अगर सिर्फ इल्म रखोगे इल्म तुझे कुछ भी नहीं देगा जब तक अली वाली हिकमत नहीं होगी। हिकमत का क्या मतलब? आप रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा और आप आगे गुजर गए। इस एक्सीडेंट से आपको इल्म आया कि दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप गुजर गए। इस वाकये ने आपको कुछ सिखाया नहीं, ठीक है? एक मरतबा में जंग उहद का वाकया पढ़ता हूं कि मेरे आका वो थे जो टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा कर रहे थे और वो थे जो मैदान में नबी को छोड़ के भाग गए। मजमा सुनता है वाह वाह करता है, लेकिन तूने इस वाकये से क्या सीखा? इल्म तो आता जा रहा है ना, गली जीते फातेह खैबर फातेह खंदक, इल्म आ रहा है। जनाब सैयदा दिफाए विलायत में अपनी फसलियां भी डूब गई लेकिन खड़ी रही। ये वाकया तुमने सुना। जनाब सकीना के चेहरे पे तमाचे लगे। बीबी ज़ैनब दरबार यजीद में जाके फरमाती है मां राय तो इल्ला जमीला, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। ये वाकया तुमने सुना, ये इल्म आया, लेकिन हिकमत क्या है? मसूद फरमाते हमारे शिया इल्म भी रखते हैं हिकमत भी रखते हैं। शिये और गैर शिया में यही फर्क है, वाकयात का उनको भी पता है लेकिन वो उससे कुछ सीख नहीं रहे। हिकमत का मतलब यह है अगर रोड पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर हिकमत होगी सोचेगा एक्सीडेंट क्यों हुआ, आगे मैं वो काम न करूं कि मेरा भी एक्सीडेंट न हो। जंगे उहद में अली टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा कर रहे हैं और वो शख्स रसूल खुदा को छोड़ के भाग गए। ये वाकया आपने सुना लेकिन इसकी हिकमत क्या है? अली रुके तो रुके क्यों? वो भागे तो भागे क्यों? कोई तो की चीज होगी जिसने अली इब्न अबी तालिब को रोक लिया और कोई तो चीज होगी जिसने उनको भागने पर मजबूर किया। क्या अली इसलिए रुके थे क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत थी, वो इसलिए भागे थे क्योंकि माल की मोहब्बत थी? अगर मोहम्मद की मोहब्बत अगर नबी की मोहब्बत माल से ज्यादा होती, मैदान में माल
गनीमत उठनियां थी, माल था, दौलत था, सर जब कह रहे थे घर यहाँ रुकेंगे सारे माल लेकर चले जाएंगे। वाह वाह माशाल्लाह। तो कहा कि मोहम्मद को छोड़ दो और माल आओ करबला के मैदान में। हुसैन को सईद से ज्यादा मोहब्बत है या अपने रब से? मौला आप क्या होता आप नमाज ना पढ़ते करबला में, या आपके साहबी शहीद ना होते? बाद रिवायात के जुमले 70 तीर लगे शहीद के बदन पे, 70 तीर कोई मजाक नहीं है। मौला आप 2 रकात नमाज के लिए शहीद के बदन पे तीर लगवा रहे, क्या होता आप नमाज ना पढ़ते? ये कहा जाए मेंबर से कि मौलाई के लिए नमाज है ही नहीं, तो अली अली करेगा तो जन्नत में जाएगा? पहले तो उसको ये सोचना चाहिए जब नमाज की माफी मौला के लिए नहीं है तो मौलाई के लिए कैसे हो सकती है। एक दिन दिखा दो अमीरुल मोमिनीन का जिसमें मौला ने नमाज ना पढ़ी हो, एक दिन मुझे दिखा दो हदीस में रिवायत में एक दिन दिखा दो। अरे साहब तो तीर लग रहे लेकिन हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। 2 चीजें हैं फरमाया, नमाज पढ़ना और है नमाज कायम करना हो रहा है। दुश्मन हुसैन नमाज पढ़ रहा था, हुसैन नमाज को कायम कर रहे थे। मैदान सिफीन है, अली इब्न अबी तालिब ने मुसल्ला बिछा दिया, इब्न अब्बास ने कहा या अली ये मैदान जंग है, इबादत का मैदान नहीं है। इब्न अब्बास अली हुकूमत के लिए नहीं आया, इसी नमाज को कायम करने के लिए चल रहा है। हर हाल में क़याम हो, बीमार हो तो नमाज पढ़ो, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो सो के पढ़ो, सो के नहीं पढ़ सकते इशारों से पढ़ो। इसलिए फरमाया मन इस्तहब्ब बिसलाती, जो अपनी नमाज को खफीफ समझे। इमाम का फरमान ये नहीं कहा जो न पढ़े, न पढ़े तो उसका ताल्लुक तो न अली से है न मकतबे अली से है। फरमाया जो खफीफ, मौला ये खफीफ क्या है? कहा जो नमाज को छोटा समझे। कमोड़ा समझाइए छोटे का मतलब क्या है? एक औरत रसूल की खिदमत में खाना लेकर आती है, या रसूल अल्लाह मैं मेहनत करती हूँ हलाल से आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। रसूल ने कहा क्या काम करती हूँ? या रसूल अल्लाह बाजार में जाती हूँ कुछ चीजें बेचती हूँ। अच्छा ये बताओ जब अपना माल बेचती हो उस वक्त अजान की आवाज आए क्या अपने कारोबार को बंद करके मस्जिद में जाती हो? कहती रसूल नहीं, कहती हूँ थोड़ा देर से पढ़ लूंगी, पहले माल बिक जाए दुकान चल जाए। का तेरा माल हलाल तो है पर तैयब नहीं है। कितना असर है, एक मर्तबा मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चों के पेट में खाना ये हलाल है, लेकिन अगर माल कमाते वक्त तुमने इताअत परवरदिगार आलम नहीं की, हलाल तो है पर तैयब नहीं है, और तैयब नहीं होगा तो बच्चा सलमान फारसी कैसे बनेगा? बच्चे समय तब मार कैसे बनेंगे? इतनी बार के भ्रमण सलाती नमाज को छोटा समझे। अजान आती है, अभी अजान दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब क्या? मेरे हुसैन से भी बड़ा है, मेरे अली से भी बड़ा है, मोहम्मद से भी बड़ा है, मेरे बच्चों से बड़ा है, मेरे कारोबार से बड़ा है, मेरी अपनी सेहत से बड़ा है। और जब कह दिया बड़ा है और वो बड़ा कहे कि हैया अल सदा, दो तरह के भागने वाले हैं, एक वो थे जो जंगे बहुत में भागे थे नबी को छोड़ के, और कुछ वो हैं जो मस्जिद को छोड़ के भाग जाते हैं। ये भी तो भागना है अगर खुदा बुलाए और अल्लाह के। और ये कहा जाए भाई मजलिस नमाज की तो कजा है, मजलिस की कजा नहीं है। ये जुमला मशहूर है, गालियों का जुमला है कि मजलिस की कजा नहीं होती, लिहाजा मजलिस सुन लो, नमाज अगर नहीं भी पढ़ी तो नमाज की कजा हो जाती है। जिस बंदे खुदा को ये नहीं पता कजा वाजिब की होती है मुस्तहब की नहीं होती, मजलिस मुस्तहब है नमाज वाजिब है। लेकिन माजू फरमाता है बंदे खुदा कभी तुमने सोचा शैतान तुझे हर काम करने देता है, हर काम करने देता है। एक बंदे को गुनाह करना है ना तो इस गांव से उठेगा कराची तक जाएगा गुनाह करने के लिए, रिश्वत लेनी है ना तो यहाँ से 100-100 किलोमीटर जाएगा रिश्वत लेने रिश्वत देने। लेकिन सबने कभी तूने गौर किया कि ये मलबून तुझे 2 मिनट मस्जिद में जाने नहीं देता? कुछ तो है ऐसा। आगाए महाशमी ने जब किसी ने पूछा शुबला, आगाए काजी से पूछा जवान के मौलाना मेरे रिस्क में तंगी है का नमाज
का माँ बीमार है का नमाज पढ़ो, का जन्नत चाहिए का नमाज पढ़ो, का इमाम जमाना की ज्यारत चाहिए का नमाज पढ़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि ये नमाज है जो बंदे को अहलबैत के करीब रखती है। इस नमाज में ऐसा जादू क्या है कि दो रकात की नमाज बंदे को आबिद बना देती है। मासूम फरमाते हैं, दो रकात जब तू कहते हैं ना अल्लाह अकबर, पहले तो तेरी नीयत है कि दो रकात पढ़ता हूँ, तीन रकात पढ़ता हूँ कुर्बत अल्लाह। पहली नीयत ये करो कि इबादत कर रहा हूँ किसके करीब हो जाऊं, परवरदिगार आलम। अब जब तू अल्लाह अकबर करता है तू हिसाब है परवरदिगार आलम, गोया तू किससे बातें कर रहा है। इमाम हसन जब वजू करते थे चेहरे का रंग सर्द हो जाता था, साहबी ने कहा मौला आप तो मासूम हैं, आपकी रंगत क्यों बदल जाती है। पर मैं जब ये सोचता हूँ ना कि किसके हुजूर में जा रहा हूँ, रब्बुल आलमीन के हुजूर में, अस्हाब रसूल के पास, या रसूल अल्लाह अली मुर्तजा के पांव में तीर लगा है, तीर कब निकालने का। अब नहीं निकालना, जब अली मुसल्ली इबादत पे खड़ा हो जाए, मौला मुसल्ले पे खड़े हुए तीर निकाला गया, अली को पता तक न चला कि तीर निकला है या नहीं निकला। और फजाइल का नुक्ता भी है कि लोग एतराज करते हैं कि वो अली इब्न अबी तालिब जिसका नमाज की हालत में तीर निकला और अली को पता न चला, तो आप शिया कैसे कहते हो कि अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। जिस अली को तीर का पता नहीं चला उसने फकीर की आवाज को कैसे सुन दिया। तो मैंने इस वाक्य में बड़ा गौर किया, आज तक दुनिया में मुझे कोई फकीर नहीं मिला जो नमाज के बीच में मांगे। सारे फकीर कहते हैं जुमा खत्म हो जाए नमाजी आएगा तो बीच में कौन खैरात देगा, ये तो बंदा मशगूल है नमाज है, मशगूल है सलात है। तो मैंने आज तक कोई फकीर नहीं देखा जो नमाज के बीच में खैरात दे, और आज तक मैंने कोई ऐसा नमाजी भी नहीं देखा जो नमाज के बीच में खैरात दे। नॉर्मल नमाजी जो होगा वो ये कहेगा नमाज खत्म हो जाए तो बाद में खैरात दूंगा। तो इससे लग ये रहा है कि फकीर नमाजी को जानता था, नमाजी फकीर को जानता था, दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये नमाजी को दोनों मिजाज को जानते थे। मौला ने फरमाया क्यों ना जानता, क्योंकि मांगने वाला जिब्राइल था, देने वाला अली था। लेकिन दुनिया के मौलवी को अली की नमाज समझ में नहीं आती, क्योंकि इसकी नमाज में वो लुत्फ है ही नहीं, वो लज्जत है ही नहीं तो सैयदा ज़ैनब की नमाज में। बीबी का पहलू टूटा हुआ है फिर भी नमाज तहज्जुद में खड़ी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ज़िंदाने शाम है, आधी रात का वक्त है, पुप्पी अम्मा उठती है वजू करती है, लेकिन जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है तो बैठ के पढ़ती है। मैंने कहा पुप्पी अम्मा कोई तकलीफ है, बैठ के क्यों पढ़ी। सजाद के दाल जिंदान में खाना बहुत कम आता है, सारा बच्चों में तकसीम कर रहे हैं, इस कदर भी बिना तबाह है लेकिन फिर भी हुक्म खुदा की दात में जिंदगी गुजार रही है। तो मौलवी को कैसे समझ आए अली इब्न अबी तालिब की नमाज। कहता है एक दफा कहते अली को तीर लगा पता नहीं चला, दूसरी मरतबा कहते हो एक फकीर आया उसने खैरात मांगी और अली ने सुन लिया। बल्ला हर अकीदे का जवाब कुरान में मौजूद है। हमने कहा पढ़ सूरह यूसुफ तो तुझे पता चले कि अली को पता कैसे न चला। मिस्र की काफरा और जनाबे सुलेखा का मजाक उड़ाने लगी, सुलेखा तो अपने गुलाम पे आशिक हो गई, तेरा मकाम क्या, गुलाम का मकाम क्या। जनाबे सुलेखा ने कहा अभी तक तुमने यूसुफ को देखा नहीं है, एक मरतबा उसके हुस्न को देख लो तो तुझे पता चल जाए। तो भला ऐसा क्या रखा है उसने यूसुफ में, आओ मैं तुझे अपने दरबार में बुलाती हूँ। कुरान की आयतें हैं, मिस्र की काफरा औरतें दरबार में आती है और उन सबके हाथ में एक सेब दे दिया, जब मैं इशारा करूँ तो सेब को बांटना। कुरान की आवाज आती है यहाँ पर्दा हटा और उसने यूसुफ जल बदर हुआ, और जैसे निगाहें चेहरे यूसुफ पर पड़ी उन्हें पता न चला कि सेब कट रहे हैं या उंगलियां कट रही है। यहाँ देखने वाले कौन है, यूसुफ है, और उनको देखने वाली कौन है, मिस्र की काफरा औरतें हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि उंगलियां कट रही है या सेब कट रहे हैं। अरे वहां पे देखने वाले कौन है, अली मुर्तजा है, और किसे देख रहे हैं, खालिक उसने यूसुफ को देख रहे हैं। तो अली को कैसे पता चलता कि तीर निकला है या नहीं निकला। जब उसने यूसुफ इतना हसीन है तो उस यूसुफ को बनाने वाला कितना हसीन है।
अली उसके हुस्न में गिरफ्तार थे। हुसैन अपना आखिरी सजदा दे रहे हैं, हुसैन को पता नहीं चल रहा। फरमाया सईद, अगर तू हुसैन की हिफाजत करना चाहता है तो हुसैन की नमाज की हिफाजत कर। रिवायत का जुमले ये पूरा सहाबी है। एक आया अहले बैत की मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत जब तक लबादे अमल में नहीं आती बंदा ये मोहब्बत फायदा नहीं देती। जब तक मोहब्बत में अमल ना हो, ऐसे बहुत मुसलमान मिलेंगे कहेंगे हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी की जूती से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फरमाइए झूठ बोलते हैं जब तक मेरे हुसैन से मोहब्बत न करें, जब तक मेरी बेटी से मोहब्बत न करें। अली की आवाज आती है वो कायनात का झूठा है जो ये कहे मैं अली से मोहब्बत करता हूँ पर नमाज से मोहब्बत न करे, पर इबादत से मोहब्बत न करे। अरे सलमान फारसी तू कैसे सलमान बना? कहा जहां जहां अली के कदम होते हैं वहां वहां सलमान का सर होता है। मकाम बुलंदी है एक मरतबा वो करूं जो अली करे, ये बहुत अदना सा मकाम है। सलमान कहता मैं उस मकाम पे नहीं हूं, मैं ईमान के 10वें दर्जे पर हूं, जो अली करे मैं करूं ये अदना मकाम है। सलमान कहता है जो अली सोचता है वही सलमान सोचता है, मेरे इरादों पर अली का इरादा हाकिम हो। एक मरतबा मैं इरादा करता हूं पानी पीऊं, एक मरतबा मैं इरादा नहीं करता, मेरे इरादे पे अली का इरादा हाकिम है कि पानी पीऊं तो कैसे पीऊं, देखूं तो कैसे देखूं, सुनूं तो कैसे सुनूं। फरमाए कमर झुकी हुई, अब्रू इतने बड़े कि आंखों पे पड़ गए। कहता है कमर झुकी हुई थी, शहीद ने अपनी कमर में कपड़ा कस के बांधा कहीं ऐसा ना हो कमर झुक जाए और एक तीर मेरे हुसैन को लग जाए। कहते जब तीर चलने लगे तो सीने पे लगे, सर पे पैवस हुए, जब बदन से खून बहने लगा तो शहीद के बदन में राशा तारी हुआ, बदन कांपने लगा। पर मैं अभी तक हुसैन इब्न अली की नमाज खत्म नहीं हुई थी कि सईद की कमर झुकने लगी, झुकने लगी। सईद ने देखा कि अगर झुक जाऊंगा तो कहीं एक तीर मेरे हुसैन को लग न जाए। फरमाते सईद ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और अपने बदन को कहा अरे बदन इतनी देर सब्र कर दे कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए, फिर तुझे जमीन पे गिरना है तो गिर जाना, मुझे परवाह नहीं है। ये जिंदगी एक मकसद के तहत गुजार रहा है और मकसद ये है कि मैं हुसैन की हिफाजत भी करूं और हुसैन की नमाज की हिफाजत भी करूं। मौला का जुमला है शियो तकूनू लना जिनन वला तकूनू लना शैना, वल्लाह अली के लिए बाइस जीनत बनना बाइस जिल्लत न बनना। जीनत का मतलब क्या, खातून बाजार से गुजरे बदन पे काले कपड़े हों लेकिन सर पे दुपट्टा ना हो, दुनिया इसे नहीं जानती, दुनिया काले कपड़े को जानती। जब तू मजलिस में आता है मेरे सर पे अमामा और मिंबरे हुसैन पे बैठूं, दुनिया मुझे नहीं जानती, दुनिया अमामे को जानती है, दुनिया काले कपड़े को जानती है, दुनिया अलम को जानती है। अगर अपने घर में अलम लगा रहे हो तो जिम्मेदारी भी संभालो, अगर अलम है तो अब्बास का अदब भी होना चाहिए, अगर ज़ेब तन काला लिबास किया है तो गमे ज़ैन अल-आबिदीन भी होना चाहिए। क्योंकि जब अलम लगा तो गोया तुमने मोहर लगा दी, घर किसका है, अली के चाहने वाले का घर आए। अब दुनिया तुझे नहीं जानती, यहां से चले जाओ लाहौर, यहां से चले जाओ पिंडी, काले कपड़े पहन के जाओ, दुनिया ये समझेगी ये कौन है, आपको नहीं जानती, आप को नहीं जानती, वो ये कहेगी ये शिया है क्योंकि इसने काले कपड़े पहने। वो खातून जो बाजारों में चलती है और जेब तन काला लिबास करती है दुनिया कहती है ये शिया है। अब इमाम फरमाते कून लना जिनन, जब तुमने अपना तआरुफ शियत से करवाया मेरे चाहने वाले अब मेरी बदनामी भी न कर पाना, ऐसे बनना कि दुनिया कहे जब अली का शिया ऐसा है इसका मौला अली कैसा है। दुनिया ने खुमैनी को देख के कहा कि नहीं कहा, दुनिया ने कासिम सुलेमानी को देख के कहा कि नहीं कहा, दुनिया ने आरिफ हुसैन और हुसैनी को देख के कहा कि नहीं कहा, दुनिया ने सिफत जाफर को देख के कहा कि नहीं कहा, कहा जब अली के मतवाले ऐसे आए तो इल्म अली इब्न अबी तालिब कैसा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलम। इतना दुश्मन ने प्रोपेगंडा किया शियों के खिलाफ, इनके न्याज में ये होता है, इनकी शाम गरीबा में ये होता है, शिया नमाजी नहीं होते, शिया रोजे नहीं रखते, ये बदनामी मकतब है। बड़ी मेहनतों के बाद
इस मकतब को एक अच्छा नाम मिला है। हमने सोशल मीडिया के जरिए अपने ऊपर से ये बुराइयां और बदनामियां हटवा दी हैं, लेकिन दुश्मन आज भी काम कर रहा है। अली अल्लाह के नारे, अली रब के नारे, ये तमाम तकलीफें इस मिंबर से होती रही, ये जुल्म था। पर भाई इंसान, जिंदगी अगर हिफाजत मकतब में चली जाए तो घबराना नहीं। मन मात आला हुब आल मोहम्मद मात शहीदा, जो मोहब्बत अहले बैत में दुनिया से जाता है वो शहादत पाकर दुनिया से जाता है। एक मोमिन ने अपनी बीवी को सैयदा के पास भेजा, कहा सैयदा से पूछ के आओ कि मैं मौला का शिया हूं कि नहीं। तो कौन बताएंगे? सैयदा बताएंगे ना। मैं अपने कसीदे अपने मुमिया मिठू बनू, उसका तो कोई फायदा नहीं ना। लेकिन सैयदा कहें कि मैं तुमसे राजी, सैयदा इमाम जमाना कहें कि तू मेरा शिया है। इसकी जोजा बीबी के पास आती, बीबी मेरे शोहर ने पूछा वो आपका शिया है कि नहीं है। बीबी ने फरमाया शिया वो होता है जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, शिया वो होता है जो अपने वजूद को कभी गुनाह में नहीं डालता, शिया कभी गाली नहीं देता, शिया कभी नशा नहीं करता, शिया कभी माँ बाप की बेहतरामी नहीं करता। अगर ये माँ बाप का एहतराम नहीं कर पा रहा वो, तो इमाम जमाना का क्या करेगा? अगर ये दो रकत नमाज नहीं पढ़ पा रहा तो लश्कर इमाम में कैसे जाएगा? जितना यहां पे इसका इरादा मजबूत होगा इतना कयामत में इसका इरादा मजबूत होगा। बीबी ने फरमाया शिया वो है जो गुनाह नहीं करता। जो आई अपने शोहर के पास, सैयदा ने बड़े सब सुन रहे, शिया वो होता है जो गुनाह नहीं करता। इसने जैसे सुना इसने कहा इसका मतलब मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। एक दिन खाना नहीं खाया, दो दिन, तीन दिन ना खाना खाया ना पानी, दिन रात रो रहा है मैंने तो बड़े बड़े गुनाह किए, मैंने तो बड़ी बड़ी खताएं की, और सैयदा ने यह फरमा दिया है कि शिया वो होता है जो गुनाहों से खुद को दूर रखता है। बीवी थी देख न सकी, दूसरे दिन दौड़ी दौड़ी सैयदा के पास है, बीवी जब से आपने कहा शिया वो होता है जो गुनाह नहीं करता, मेरा शोहर तो कह रहा है मैंने बड़ी खताएं की जवानी में, मैंने बड़े गुनाह किए, अब मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। बीवी ने कहा मैंने ये कब कहा कि जन्नत में नहीं जाएगा? ये तो हदीसे मिंबर से पढ़ी जाती है ना, हर मोहब्बत हिब्बत करना जन्नत में, हदीस सही है लेकिन इसको खोला नहीं जाता। मोमिनों को समझाया जाए तो बंदा समझे। कभी कभी एक हदीस मुझे गुमराह भी कर देती है अगर आधी पढ़ी जाए। कुरान की आयत है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब नहीं आओ, कब कुरान की आयत है? अब कई मलंग मलाई कहते हैं कुरान की आयत है इसलिए नमाज के करीब नहीं जा रहा। अगला जुमला है वह अंतुम सुकारा जब नशे की हालत में हो, नशाई जब नशे में है तो नमाज के करीब न जाए, जिस तरह वलीद गया था, मरवान गया था, इस तरह नहीं। जब नमाज पढ़ो तो होशो हवास में अल्लाह अकबर कहा करो कि तुझे पता चले किसके दरबार में खड़े हुए हो, जन्नत की बूटी खा के न जाया करो। गंग पेड़ वाला बैठा न जाए, एक बुलंदियों को छूने वाला दर्जा है। अगर उस दर्जे पे पहुंचे क़िबला साबित करी नजफी साहब किसी मजलिस में बैठे थे और अब्दुल हकीम साहब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने रिवायत पढ़ी कि जब अली का शिया मरेगा तो मलाइक उसका नाम आमाल भी नहीं खोलेंगे। तो मजलिस पढ़ डाली, मजलिस के बाद हम चल पड़े, पीछे एक मौलाई मलंग दौड़ता हुआ, मौलवी साहब आपने मजलिस सुनी? का सुनी, का रिवायत सुनी? का सुनी, का सही है? का सही है। अगर आप मौलवी हमें बताते क्यों नहीं हो, ये ऐसी बातें हकीम क्यों बताता है हमें, ऐसी बातें जाकिर क्यों बताते हैं, आप मौलवी लोग क्यों नहीं बताते? इसलिए कि अगर हम आधी बात पढ़ेंगे तो कहोगे जब खुलेगा ही नहीं तो नमाज कैसी पढ़ू। जब नामे अमाल पढ़ना ही नहीं है, बस शिया है, नामे अमाल खुलेगा नहीं और डायरेक्ट जन्नत में, तो उसने कहा उसने क्या पढ़ा? मौलाना ये पढ़ा जो शिया है उसका नामे अमाल नहीं खुलेगा। कहा मौलाना सच कहा, शिये का नामे अमाल नहीं खुलेगा। शिया कौन है?
शिया सलमान है, शिया मैं समय तमार है, शिया मालिक अशर है, तुझे निजासत का नहीं पता, तू मजलिस में आता है तुझे वुजू करने की तमीज नहीं, तू शिया कैसे बन गया? तू खुद को मुहिब कहो, शिया कहने का हक नहीं है। शिया निशानिया मेरे नाम, शिया वो है जो दिन में 51 रकत नमाज पढ़ता है। मैं भी उस दर्जे पे नहीं हूँ भाई, हम वाजिब नमाज एक और से पढ़े बड़ी बात है, नमाज तहज्जुद भी नहीं पढ़ पाते। पहले समझो शिया कौन है। अब बीवी बताती है, सैयदा बताती है, जिसको राजी करने के लिए मजलिस में आए हो वो कायनात की आकाशादी बताती है। फरमाइए मैंने कब कहा कि जन्नत में नहीं जाएगा? मैंने कहा कि शिया नहीं है। और क़िबला ने जुमला दिया, कहा शिया का नाम अमाल नहीं खुलेगा। शिया जब आएगा युरिफून बिसीमाहिम, वो अपने चेहरे से पहचाना जाएगा ये जन्नती है। जब वुजू करते हो ना, मासूम की रिवायत है, वुजू करो चेहरा दो, अल्लाहुम्मा बय्यद वजही यौम तस्वद्दुल वुजूह, मौला ने फरमाया वुजू करो, पानी जैसे लगा दुआ करो, अरबी में नहीं आती सिंधी में दुआ करो, अल्लाहुम्मा बय्यद वजही, ऐ खुदा मेरे चेहरे को उस दिन सफायद करना जिस दिन चेहरे काले हो जाएंगे। सफेद चेहरा लेकर जाओ ना, ऐसा नहीं यौमुल हसर, कयामत का दिन हसरत का दिन है, लाखों मुर्दों को दफन करके यार ये समझकर ये मरेगा मैं नहीं मरूंगा, हर बंदे को यहाँ पे उतरना है, क्या लेकर जा रहा है? दुनिया के लिए कपड़े लिए, घर के लिए मोबाइल लिया, टेलीफोन लिए, सब कुछ लिया, फरमाते आखिरत के लिए तुमने कौन सी चीज जमा की? ये नमाज आखिरत का वसीला है, रोजा आखिरत का वसीला है। सैयदा ने कहा ये मैंने कब कहा कि जन्नती नहीं है? फरमाया हर वो शख्स जिसके दिल में हम अहले बैत की हकीकी मोहब्बत है वो जन्नती है। और परेशान होती भी फिर शिया भी जन्नती, मुहिब भी जन्नती, दोनों में फर्क क्या है? अगर मुहिब भी जन्नत में जाएगा शिया भी, कोई तो फर्क होना चाहिए। बीवी ने कहा एक फर्क है, शिया जन्नत में जाएगा बगैर हिसाब किताब के। वही हदीस नामे आमाल, चेहरा बताएगा ये अली का चाहने वाला है और उसे बगैर हिसाब किताब के या अली अंत तसीमु नार बिल जन्नत, बोला फरमाएंगे जन्नत ये तेरा है, ऐ जहन्नम ये तेरा है, बस इतना कहना होगा कोई जन्नती बन जाएगा। लेकिन फरमाया जो मुहिब है, क्योंकि उसने गुनाह किए हैं, क्योंकि उसने खताएं की हैं, जब रूह इस देखिए तीन बदन अल्लाह आपको देता है, बदन दुनियावी, बदन बरज़खी या मिसाली बदन जिसको कहते हैं, एक बदन मिलेगा जब आखिरी जन्नत में जाओगे कयामत। रूह बदन के बगैर नहीं रह सकते, जैसे रूह इस बदन से उतर, रूह अगर खाना चाहे तो लज्जत कैसे, उसके लिए जबान और मुंह का होना जरूरी है, अगर किसी से गले लगना चाहे तो बदन का होना जरूरी, तो जय अगर खुदा इसको अजाब भी करना चाहे तो कैसे करेगा? कुरान की आयत है ना, हम उनकी खालों को जलाएंगे फिर नहीं खा लेंगे। जहन्नुम की आग और ईंधन क्या है? वुकूद लकड़ियां, पत्थर, वन्नास लोगों के बदन। जन्नत की आग जलेगी किससे? पत्थरों से और लोगों के बदनों से जो मुखालिफत खुदा करते थे, दुश्मन अहले बैत थे। बीबी ने फरमाया जो मुहिब है जिसने गुनाह किया है, बदन से जब रूह निकलेगी ना, जैसे इस बदन से रूह निकलेगी फौरन एक और बदन में चली जाएगी, जिसको कहा जाता है बदन बरज़खी। यहां से निकल के आप मैदान बरज़ख में जाओगे। फरमाया जो मुहिब है अगर खताएं की हैं, अगर गुनाह किए हैं, बरज़ख में अपनी खताओं की सजा भुगतेगा। बरज़ख में कोई शफाअत नहीं, बरज़ख में कोई मदद नहीं है, बरज़ख में तुझे खुद जवाब देना है। 15 साल से लेकर 60 साल तक जो अमल किया, अच्छे अमाल किए हैं, गोया बरज़खी जन्नत से बिखरोगे। बुरे अमाल किए हैं, अजाब दे के तुझे पाक किया जाएगा। बीबी फरमाती है जो हमारा मुहिब बरज़ख में जाएगा, ये भी नेमत खुदा है कि खुदा उसे पाक करेगा। वरना यजीद मर गया, शिमर मर गया, कातले ज़हरा मर गया, दुश्मन अली मर गया, वो भी तो बरज़ख में है ना। 1400 साल गुजर गए, अभी तक वो जल रहे हैं, लेकिन जहन्नुम की ईंधन उन्हें पाक नहीं कर रही, अजाब पाक नहीं कर रहा। ये भी नेमत है क्योंकि तू मुहिब था, इस मोहब्बत की वजह से खुदा अजाब देगा और उस अजाब में तुझे पाक व पाकीज़ा कर देगा। अब जब तू कयामत में आएगा तो साफ सुथरा होकर आएगा, यानी वो कपड़े मेले हैं, बरज़ख में खुदा इसको धोएगा।
लेकिन जो दुश्मन अली है उसको कितना भी धो वो धुलेगा ही नहीं, उसकी कोई शफात नहीं। ये शफात है एक बरसक में पाक होके। ये डर गई बीबी, मैंने तो बरसक का अजाब सुना है बड़ा सख्त है ना? बेटी अगर उस बरसक के अजाब से कोई मुहिब बचना चाहे तो क्या करे? क्या मैं इस दुनिया में बच सकता हूं? कोई ऐसा बीबी का बहुत आसान है। दो तरीके हैं, या तू खुद को पाक कर या खुदा तुझे पाक करेगा। जब तक जिंदा हो खुद को पाक कर। बीबी कैसे पाक करूं? फरमाया तौबतुन नसूब। बीबी ये तौबतुन नसूब क्या है? ऐसी तौबा जिसके करने के बाद पलट के फिर उस बुराई की तरफ न जाओ। ये कौन सी तौबा? ये वो तौबा है जो हुर ने करबला के मैदान में की थी। एक मर्तबा तौबा की लेकिन उस तौबा का इजाला किया। इजाला का मतलब कि बंदा जिना करता है। इमाम रज़ा फरमाते हैं कई लोग हमारे हरम में आते हैं तौबा करते हैं लेकिन ये तौबा नहीं है, ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं। बोला क्यों? कहते हैं तौबा करते हैं फिर वापस जाके गुनाह करते हैं। मजलिस हुसैन में आते हैं, हाँ परवरदिगार आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, फिर जाके गुनाह करता है। मौला मुझे कैसे पता चले कि अली ने, खुदा ने, रसूल ने मेरी तौबा को कबूल किया है? अगर कोई नशे की, जिना की, झूठ की, गीबत की, मुख्तलिफ बदकारियां जो माशरे में है, अगर उस गुनाह की तौबा करे, अगर उस गुनाह की लज्जत उसके दिल में बाकी है तो तौबा कबूल नहीं है। कैसे? मैंने अलियाज़ुबिल्लाह किसी ने जिना की, अब रात के अंधेरे में बैठ के अपने गुनाह को सोच रहा है, अगर सोचने में मजा आ रहा है तो फरमाया अभी तक गुनाह माफ नहीं हुआ। लेकिन अगर अपने गुनाह को सोचे, इसी खुद से घिन आए कि मैंने किसकी मुखालिफत की, इमाम जमाना की मुखालिफत की। छठे इमाम के जमाने में शख्स है, मौला मैं गुनाह करना नहीं चाहता लेकिन क्या करूं मौला, तौबा करता हूं फिर आदत है पलट के जाता, जिस तरह बंदे को सिगरेट की आदत होती छोड़ता है फिर चला जाता, आदत है छोड़ नहीं सकता। इमाम फरमाते क्योंकि अभी तक तुमने खुदा को समझा नहीं है। फरमाया मेरे चंद सवालों का जवाब दीजिए मौला। इमाम ने फरमाया ये बता, अगर गुनाह करते वक्त तुझे तेरी माँ देखे क्या गुनाह करोगे? का मौला मैं इतना बेहया नहीं। का अगर गुनाह करते वक्त तुझे तेरा बाप देखे, का मौला नहीं करूंगा। का अगर गुनाह करते वक्त वो लोग देखे जो तेरी इज्जत करते हैं, तुझे सलाम करते मौलवी है, वडेरा है, पता नहीं क्या क्या है, तेरी इज्जत करते हैं, उनके सामने गुनाह करोगे का मौला मर जाऊंगा लेकिन इतना बेहया नहीं कि उनके सामने गुनाह करूं। क्या कुछ लोग वो हैं जो तुझे सलाम करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं, क्या उनके सामने गुनाह करोगे? क्या मौला अबदन मर जाऊंगा गुनाह नहीं करूंगा? पर मैं बस मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे, अगर गुनाह करते वक्त तुझे 5 साल का बच्चा देखे क्या इसके सामने गुनाह करोगे? क्या मौला कैसा सवाल कर रहे हैं, मैं इतना बेहया कि बच्चे के सामने गुनाह करूं? क्या बस ये जुमला कहना था, सादत आले मोहम्मद की आंखों से आंसू बहने लगे, मौला रोने लगे। फरमाया ए बंदे खुदा, इस 5 साल के बच्चे की भी इतनी इज्जत है, तू इसके सामने गुनाह नहीं करता? क्या मेरे रब की इज्जत इस बच्चे जितनी भी नहीं है? क्या इमाम जमाना की इज्जत इस बच्चे जितनी भी नहीं है? सैयद मीर रामाद बहुत बड़े इल्मुलादात के माहिर, बादशाह की बेटी शिकार के लिए गई, बाजार जंगल में गुम हो गई, सिपाही ढूंढ नहीं पाए, रात बहुत देर हो गई। रात को बादशाह की बेटी इस पान का शहर, रात को शहर में वापस से बहुत देर हो गई, अब इसे घर नहीं मिलता था, कैसे जाए? जमा लड़की, खूबसूरत लड़की, बादशाह की बेटी, बेहतरीन लिबास है, वतन किया हुआ है। इस पान के शहर में दाखिल होती है, देखती है कि वहां पे एक मदरसा है जहां पे रोशनी आती है। उसने कहा रात का वक्त है, कहीं कोई इज्जत पे हमला ना कर दे, तो किसी जगह पे जाके पना ले। इस मदरसे के अंदर जाती है, मदरसों में हुजरे बने होते थे, कमरे कमरे कमरे, यहां पे तलबा रहते थे। एक हुजरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, उस हुजरे के दरवाजे को खटखटाती है। सैयद मीरदामाद रात के अंधेरे में पड़ रहे थे, जैसे दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयद ने दरवाजा खोला, खोलने के बाद देखा एक जवान खातून दरवाजे पे खड़ी। सैयद कहता है, खातून ने कहा सैयद मुझे पना दो, गुम हो गई, बस आज की रात अपने हुजरे में जगा दो, सुबह में चली जाऊं। मैंने कहा मैं कैसे किसी खातून को अपने हुजरे में रहने दूं? कहा सैयद मेरी इज्जत को खतरा है, तुम कैसे मुसलमान हो कि किसी की इज्जत ना बचा सको? कहता उस खातून ने इल्तमास किया, मैंने हुजरे के एंड में उसे जगा दी, वो वहां जाके सो गए। सैयद कहता मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया, दरवाजे के किनारे बैठा, महसूस फरमाते शैतान इंसान की खून की रगों में घुस जाता है। अभी सिंध का वाकया है ना,
18 साल की लड़की ने 3 साल की बच्ची के साथ जवाब। जब एक गुनाह होता है ना, गुनाह इससे चंद है अली इब्न अबी तालिब, इस दरिंदगी से माशरे को बचाने के लिए हुसैन इब्न अली आए थे। अगर मेरी मजलिस से हो लेकिन ये जमा जिना से ना बचे, गुनाह से ना बचे, लवात से ना बचे, लवातकारी से ना बचे, ये गुनाह जो हमारे माशरे में घुस चुके हैं। वाजू फरमाते मर्द मर्द से गुनाह करे, मर्द औरत से गुनाह करे, वल्लाह दुनिया का पानी इसे कभी पाक नहीं करता जब तक ये तौबतुन नसूब ना करे, जब तक अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाए ना। इतनी सख्ती हदबायत की कपड़े चाहने वालों की उंगलियां काट देती अगर कोई चोरी करे। अदालत इमाम अली किसी ने खवारिज अली की अदालत को अगर अपने अली के दुश्मन मान लेते, अली तेरी अदालत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अपना भाई मौला से पैसे मांगने जाता है, मौला लोहे की लगे लोहा उठा दो उसके हाथ पे लगाते हैं। फरमाया हुक्म खुदा में कोई माफी नहीं है। अगर ये जमा गुनाह कर रहा है, क्या सिर्फ ये जमा गुनाहगार है या उसका बाप भी गुनाह में शामिल है? क्योंकि उसने इसकी तरबियत नहीं, क्योंकि उसने वक्त पे शादी नहीं करवाई, क्योंकि उसने उसको गुनाह से बचाया नहीं। ये तमाम तर चीजें शामिल होती हैं। फरमाया कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, उनको जहन्नुम में कहेंगे परवरदिगार हमने नमाजें पढ़ी, हमने कौन सा गुनाह किया? कहेगा ए खातून, एक जवान ने तेरे चेहरे को देखा था, तूने मुस्कुराया था, तेरी मुस्कुराहट ने उसके दिल में ऐसा तीर डाला कि उसने कल जाके जिना किया। सब बंदा इस तरह गुनाहों में शामिल है। जवाब तो एक खातून को एक एसएमएस करता है, एक नामहरम से दो जुमले बात करता है। अगर वो खातून गुनाह में मुब्तला होती है, तुम तो समझो कि मैंने तो कोई प्रैक्टिकली गुनाह नहीं, लेकिन तेरी मुस्कुराहट की वजह से। कुत्तामा ने इब्ने मुर्जिम के साथ जिना नहीं की थी, जिना बड़ा गुनाह है, निकाह हराम बड़ा गुनाह है, जिना बड़ा गुनाह है, उसने सिर्फ इब्ने मुर्जिम को मुस्कुरा कर देखा था जब वो मुसल्ले पे खड़ा था। एक मुस्कुराहट ने उसे कातिल अली के नबी तालिब बना दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ने। हमारा दीगर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ने। हमारा दीगर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ने। सही जगह मेरे दामाद के था, ये खातून कमरे में सो गई। परमात्मा जैसे थोड़ी देर गुजरी, इसने अपनी टांगें सीधी की, सैयद कदमीर ने निगाह इस खातून के पांवों पर पड़ गई। बस निगाह का पड़ना था और शैतान ने जहन में वसवसे करना शुरू किया। ये वो हद होती है कि बंदा खुद को बचा सके। बंद कमरे में रहकर गुनाह से बचना कमाल नहीं है, मैदान अमल में रहकर गुनाह से बचना। रसूल खुदा जाने अरब के बहादुर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बड़े बहादुर हैं। रसूल ने फरमाया इनसे बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं है। या रसूल अल्लाह जो 100 किलो का वजन उठाए वो बहादुर नहीं है, बुजुर्ग है। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया तेरी आंखों की पिलकों का वजन कितना है? पिंगड़ी जो वजन देखो चंद ग्राम है इसका वजन। फरमाया कितना बुज़दिल है जो 100 किलो तो उठा लेता है लेकिन किसी नामहरम पे निगाह पड़ती आंखें बंद नहीं कर पाता। असल ताकत इरादे की ताकत है, सामने माल हो लेकिन ठुकरा दो क्योंकि अली राजी नहीं है, सामने गुनाह हो लेकिन ठुकरा दो क्योंकि अली राजी। ये असल ताकत है जो इरादे की ताकत है। अगर ये ताकत बंदे के अंदर आ जाए, ये फजीलत पढ़ना कि उसने मेरे मौला के चेहरे पे लाल दहन फेंका और अली खड़े हो गए। यही तो कमाल है अली इब्न अबी तालिब है। असहाब ने कहा अली अगर हमारे साथ बदतमीजी करता तो हम उसका गला काट देते। फरमाया यही तो फर्क है अली के इरादे में और तेरे इरादे में। कमाल उस वक्त तलवार का चलाना नहीं था, कमाल तलवार के वार को रोकने का था। अली को अपने गुस्से पे कंट्रोल है, अली हाकिम बदन है। अगर ये विलायत और हुकूमत तेरे बदन पे आए तो तू विलायत अली का मानने वाला है। बड़ा शोर शराबा है सिंध में विलायत अली और अली वलीउल्लाह का। अली वलीउल्लाह एक लफ्ज है, अली की हुकूमत तेरे बदन पे है क्या नहीं है? तू दिन रात शराब पी और कहे मैं अली की विलायत में मानने वाला हूँ, तू दिन रात गालियां पी और कहे मैं अली की विलायत में मानने वाला हूँ। बड़ा फरमाते इतनी अकड़ हो रखो, मैं अली पसंद नहीं करता कि अली का चाहने वाला गाली दे। जो शिया गाली दे वो ये सोचे और फैसला करे कि अमीर शाम का मानने वाला है या अली का मानने वाला है।
70,000 منبروں سے گالیاں علی نے نہیں دی تھی دشمن علی نے. سید امیر دامات کہتے ہیں جیسے نگاہیں اس جمع خاتون کے پاؤں پہ پڑی شیطان نے گمراہ کرنا شروع کر دیا. میر دامات اکیلا گمراہ ہے, اکیلی خاتون ہے, گناہ کر. کہتا جتنا بھی خود کو روکتا, جوانی تھی, جذبات تھے, کیا کرتا. سید امیر دامات پرانا زمانہ دیا جل رہا تھا, دیے میں آگ جل رہی تھی. سید امیر دامات کہتے جیسے جذبات ابھرتے تھے نا, بندہ کبھی کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے جذبات, شہوت اتنی غالب آ جاتی ہے. اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے شہوت میں آ کر کیے ہیں, دنیا کے دھوکے میں آ کر کیے ہیں. پہلا جملہ جو نے کہا کہے گا سلام تو نفسی, اے خدا تو نے ظلم نہیں کیا, میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. سید امیر دامات کہتا جیسے جذبات ابھرے میں نے اپنی ایک انگلی اس آگ کے اندر ڈال دی. جیسے انگلی جلی سارے جذبات پھر کچھندہ ہو گیا. تھوڑی دیر گزری پھر شیطان نے حملہ کیا, وہ نہیں چھوڑتا جب تک تجھے جہنم میں نہ بھیجے. فرمایا مشکل ترین وقت بندے کا تب آتا جب بندہ اور بندے کے بدن سے روح نکلتی ہے. فرماتے ہیں دعا کیا کرو اے خدا آپ کی پوری زندگی علی کا ذکر کرنے والا, لیکن اگر مرتے تب شیطان نے اسے کلمہ پڑھنے نہ دیا. تو امام خمینی کے ساتھ پڑھنے والے خمینی کہتے رہے کلمہ پڑھ نہیں پڑھوں گا. کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہ شیطان نے سامنے میرے بیٹے کو کھڑا کیا, کہتے کلمہ پڑھو گے بیٹے کو ماں. محبتوں کو دے کر آتا ہے, نہیں پڑھنا ورنہ اس کو مار دوں گا. گھر سے محبت ہے, گھر کو تباہ کر لوں گا, بیٹی کو مار دوں گا, بیوی کو مار دوں گا. کہ جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا, جس نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا, وہ شیطان کو کہتا جو کرنا ہے کر, میں تو اپنے رب کا کلمہ پڑھوں گا. سید امیر دامات کہتا ہے دوبارہ شیطان نے دوسری انگلی آگ میں ڈال دی. پوری رات میں اپنی 10 انگلیاں جلا دی. کہ جب آخری انگلی جلی تو سید کہتا ہے اذان کی آواز آئی, دوڑا دوڑا مسجد میں گیا, آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. مسجد میں اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے کہا خدا یا تیرا شکر ہے تو نے سید کی دنیا میں 10 انگلیاں جلا دی, لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا. کہتا ہے نمازیں اور بھی پڑھی تھی لیکن اس نماز کا مزہ ہی اور تھا. رکوع میں جاتا تو لذت مل رہی ہے, ایسے لگ رہا تھا کہ رکوع سے کھڑا ہی نہ, بس ذکر کرتا رہوں. سجدے میں جاؤں تو سجدہ لمبا ہوتا رہے. سید امیر دامات کہتا ہے ہوتا ہوا واپس اجرے میں آیا, خاتون مجھے کہیں نظر نہیں آئی, شکر خدا. سید کہتا ہے دوپہر کا وقت ہوا, چند سپاہی دروازے پر آئے, دروازہ کھٹکھٹا ہے. سید کہتا ہے باہر نکلا, اپنی دوا کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹا ہوا تاکہ کوئی نہ دیکھے کہ میری انگلیاں جل چکی ہیں. سپاہی آئے, کون آپ اس اجرے میں نکل رہا تھا؟ ہاں. کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے. تو بادشاہ کا میرے ساتھ کیا کہا؟ کہ حکم بادشاہ ہے, جلدی آئیے. سید کہتے ہیں ابا پہنی بادشاہ کی دربار میں گئی. اسے ماجرا ہم بتا, جیسے بادشاہ کے سامنے آیا بادشاہ نے اس کو دیکھا, کہا کہ کل رات جو آپ کے اجرے میں تھی وہ میری بیٹی تھی. تو اس شہر کا کیسا جوان ہے کہ پوری رات جوا خاتون تیرے کمرے میں رہی اور میری بیٹی نے بتایا کہ تو رات کو اپنی انگلیوں کو چلا رہا تھا. سید ہاتھ آگے کر. سید ہونے لگا کہ نہیں, میں نہیں دکھانا چاہتا. کہ سید دیکھا کہ میں نہیں دکھانا, کہ کیوں؟ اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہ سید مجھے ایک وجہ بتا, ہر بندہ اپنا ہاتھ نہیں چلاتا, کون سی چیز آئے جس نے تجھے اس گناہ سے روک کر مجھے بس وہ بتا. کہتے سید زار و قطار ہونے لگا کہ جب گناہ کا ارادہ آتا تھا تو ذہن میں خیال آتا تھا اے سید امیر دامات تو سید ہے, قیامت کے دن جب جناب زہرا کا سامنا ہوگا الٹا ہوا پہلو ہوگا, ایک ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے, دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا. میں یہ سوچ رہا تھا اگر میری دادی مجھ سے یہ پوچھیں سید کہ میرے حسین کی قربانی کافی نہیں تھی, کہ میرے سجیدہ کے تماشے لگنا کافی نہیں تھی, سید تو نے گناہ کیا. کہ اس شرمندگی کی وجہ سے میں نے انگلیاں جلا دی لیکن زہرا کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کیا. بندہ اگر یہ نیت لے کر آؤ, امام حسین العابدین فرماتے ہم ہر مجلس میں جاتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے,
उस मजलिस से राजी होते जिसमें मोमिन आए रात को घर जलाए, बिस्तर पे सोए सोचे कि आज की मजलिस से मुझे क्या मिला। मजलिस से इख्तलाफ का नाम है। अगर इस मजलिस में कोई ऐसा बैठा है जिसने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, ये जहरा का दिल दुखा रहा है, इमाम जमाना का दिल दुखा रहा है, दुआ लेकर नहीं जाओगे। मजलिस में अगर बेनमाजी थे जब उठ के जाओ तो नमाजी बन के जाओ, गुनहगार थे जब वापस जाओ तो हुर बन के जाओ। तब मैं कयामत में हराम रोएगी लेकिन दो आंखें कभी नहीं रोएंगी। एक वो आंख जो अपने गुनाहों पे रोती है, एक वो आंख जो हुसैन पर क्रिया करती है। छठे इमाम फरमाते हैं जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं तो रोया नहीं तो रोना चाहते, तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी ज्यादा खड़ी हो जाती है। दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का ज्यादा आ रहे हैं, दिलों को करबला ले जाए, सलाम करें अपने आका हुसैन को। अस्सलाम दो बीबियों का वास्ता दिया करो,
تو باز خدا کبھی رد نہیں کرتا اے خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو دوسرا خدا کو میری ننی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو بی بی زینب کے جملے فرمایا تو کس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا زینب کو دکھ تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچانا بی بی اپنے کیسے پہچانتے اپنوں نے کبھی آپ کو بازار میں نہیں دیکھا ننی سی سکینہ بی بی زینب کی گودی میں فرمایا پپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا بی بی زینب کو دیا آقا زادے میں تیری بچی کو پانی پلاؤں لیکن جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لے میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا سکینہ نے پانی پینا تھا زینب نے کہا سکینہ اب سید ہے کسی کا احسان نہیں اٹھا دے او سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کرو بعد میں پانی پینا ادا دارو ابھی تک اس مومنہ نے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا بچی نے ننا سا چہرہ اوپر کیا ہاتھوں کو بلند کیا جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں میں پڑ گئی رخ ساروں پہ پڑ گئے اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنا سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اے خدا دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا زینب کو رلا فرمایا قیدی بی بی بڑی مدت گزر گئی میں مدینہ غربت میں زینب نے مدینے کا لاس مدینے جا کر کیا کرو قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین مدینے میں میرا پاس ہے مدینے میں میری آقا زادی ہے زینب کو بڑا پیارا ہے کہ مومنہ تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا اکبر کا نام لیا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو مجھے اپنی بی بی کا نام تو بتا ایک مرتبہ مومنہ کہنے لگی قیدی بی بی میری مجال میں مدینے والی بی بی سے ناراض ہو جاؤں لیکن میری مجبوری سمجھو او یہ نامحرم ہو میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی بی بی زینب نے کہا اے مومنہ اگر میں دعا کروں مدینے والی تجھے بازار میں نظر آئے تو کیا کہوں گی ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے اے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر او میری بی بی تجھ جیسی طیب گزر گئے اور زینب گزر گئی اور میرا حسین مرا
کے سبقے میں ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہمارے سبنا جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں، ہم سب کو فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.